वाराणसी में सोमवार को कोरोना के 4 मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। शनिवार को 4 मरीज होम आइसोलेशन से स्वस्थ हुए हैं। अस्पताल से कोई भी मरीज स्वस्थ होकर घर नहीं लौटा है। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 377 है। अब तक 21,943 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 21,499 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 67 है। वाराणसी से शुरू हुआ मेरा घर मेरा विद्यालय मोहल्ला क्लास पूरे देश में नजीर बनकर उभरा है। कोरोना काल में 2 गज दूरी है जरूरी का पालन जब कक्षा में कर पाना संभव नहीं हो पाया, तो बेसिक शिक्षा विभाग ने भारत की परंपरागत कक्षा गुरुकुल पद्धति की ओर ध्यान दिया और ग्रामीण इलाकों में पेड़ के नीचे बच्चों को बैठा कर उनके बीच 2 गज की दूरी बनाकर क्लास लेना शुरू किया। एक क्लास के बच्चों को एक दिन छोड़कर मोहल्ला क्लास में पढ़ने के लिए बुलाया गया, जिससे विद्यार्थियों के बीच दूरी बनी रहे। ये कक्षाएं अभी तक सफलतापूर्वक चल रही हैं। IIT BHU का नवा दीक्षांत समारोह सोमवार को BHU परिसर स्थित स्वतंत्रता भवन में धूमधाम से आयोजित किया गया। देश में पहली बार IIT BHU में मिक्स रियलिटी तकनीक की मदद से US से क्लाउड बेस्ड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी कंपनी के CEO पर संस्थापक जय चौधरी और बेंगलुरु से संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस डॉक्टर कोटा हरि नारायण ने दीक्षांत समारोह में लाइव शिरकत की। समारोह में संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन ने मेधावियों को उपाधि पदक और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के छात्र अंकन वोहरा ने प्रेसिडेंट्स स्वर्ण पदक समेत सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक, 1 रजत और 1 डॉक्टर एनी बेसेंट पुरस्कार पाकर अपनी मेधा का परचम लहराया। मेरा नाम अंकन है, मैं निमाड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान से आता हूँ। मैंने वर्ष 2016 में यहाँ BTech में एडमिशन लिया था एज ए केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। उसके पश्चात मैंने एक वर्ष बाद संगणक विज्ञान एवं अभियांत्रिकी विभाग में अपना डिपार्टमेंट चेंज किया। तत्पश्चात फिर मैंने 3 साल उसी डिपार्टमेंट में गुजारे। उसके बाद मुझे अभी सर्वाधिक CPI के लिए प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल, ITBHU वाराणसी डिपार्टमेंट्स गोल्ड मेडल एंड 6 अदर मेडल और 1 भगवद गीता डॉक्टर एनी बेसेंट के मेमोरियल में मिला है। खास तो ये रहा कि एक हाइब्रिड मोड में रखा है, कुछ फिजिकली थे बच्चे यहाँ में प्रेजेंट और बाकी लोग यूट्यूब पर ज्वाइन किया है। और मेरे ख्याल में एग्जैक्ट नंबर तो नहीं मालूम है, 1700 के करीब शायद टोटल डिग्री डिस्ट्रीब्यूट होने की बात, जिसमें PhD, BTech, MTech और सब कुछ। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर सोमवार को वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने बताया कि महाराज सुहेलदेव राजभर की जयंती पर बहराइच में बड़ा आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि बहराइच में चित्तौड़ा के मैदान में PM मोदी बसंत पंचमी के दिन महाराज सुहेलदेव के स्मारक की नींव रखेंगे। साथ ही चित्तौड़ा के मैदान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का कार्य किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि सभी जिलों में 16 फरवरी को एक साथ महाराजा सुहेलदेव की जयंती का आयोजन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि बहराइच में लोगों को जुटाने के लिए जनसंपर्क भी किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश भर में महाराजा सुहेलदेव की प्रतिमाओं के सामने पुलिस बैंड बजाया जाएगा। और हम सब लोगों ने योजना किया है कि हर जिले से एक अच्छी संख्या में लोग उस लोक शिलान्यास के कार्यक्रम के अवसर पर बहराइच पहुंचकर महाराजा सुहेलदेव को सम्मान करने का काम करें। आज उसी क्रम में आप सभी लोगों के से संवाद का ये अवसर बना है। चंदौली के साहबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। गांव के एक युवक ने घर में अकेली पाकर बच्ची के साथ जबरन मुंह काला किया, इसके बाद वह फरार हो गया। पीड़िता ने परिजनों को आपबीती बताई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपित युवक तेज बली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। फिलहाल आरोपित युवक अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। उत्तराखंड के जोशी मठ में रविवार को बड़ा हादसा हुआ। चमोली जिले के तपोवन इलाके में रविवार को ग्लेशियर फटने से ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट बह गया। पानी के वेग ने कई जिंदगियां ले ली। ऐसे में धर्म की नगरी काशी में जगह जगह मृतक आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना और दुआ ख्वानी की जा रही है।
इसी क्रम में मांझी समुदाय ने दशाश्वमेध घाट पर मां गंगा का दुग्धाभिषेक कर मृतक आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना किया। इसके अलावा मुस्लिम भाजपा नेत्री हुमा बानो के नेतृत्व में मुस्लिम महिलाओं ने चमोली में आई आपदा से जान गंवाने वाले लोगों के लिए दुआ खुवानी की और लोगों की सलामती की अल्लाह से दुआ मांगी। छावनी परिषद के ऑफिस पर सोमवार को बोर्ड सदस्यों ने सत्याग्रह किया। इस दौरान ऑफिस के मुख्य द्वार पर छावनी परिषद वाराणसी का चुनाव समय से होने एवं छावनी प्रशासन में संविधान प्रदत्त लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल करने की सदस्यों ने मांग की। इस संबंध में परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष और मौजूदा सदस्य शैलेंद्र सिंह ने बताया कि भारत सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। छावनी परिषद का चुनाव हर 5 वर्ष पर होता है। किसी कारणवश यदि कोई दिक्कत आ रही है तो इसे 2 बार 6-6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। सरकार छावनी परिषद चुनाव की तिथि की घोषणा नहीं कर रही है, इसलिए आज हम सभी को यहां सत्याग्रह करते हुए धरना देना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ वाराणसी पहुंचे अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने देर रात कैंट और चेतगंज थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कैंट थाने पर महिला हेल्प डेस्क पर दर्ज पीड़िता सुमन कुमारी को फोन लगाया और उनसे बातचीत कर कार्रवाई और उससे संतुष्टि की जानकारी ली। इस दौरान अपर मुख्य सचिव ने थाने पर बारीकी से निरीक्षण किया। इसके बाद अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी सीधे चेतगंज थाने पहुंचे। यहां भी उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और महिला हेल्प डेस्क पर तैनात महिला कर्मियों से जानकारी ली। इस दौरान उनके साथ एडीजी ब्रिजभूषण, आईजी विजय सिंह मीणा, एसएसपी अमित पाठक भी मौजूद रहे। अपने 2 दिवसीय दौरे पर रविवार को वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवापुरी ब्लॉक के अमनी गाँव में नीति आयोग के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने परिषदीय विद्यालय के बच्चों से मुलाकात की। इसके अलावा वाराणसी सर्किट हाउस में भी उन्होंने विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इसके बाद सीएम योगी देर रात काल भैरव मंदिर और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए। साथ ही निर्माणाधीन विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट और खिड़किया घाट पर बन रहे नए घाट का भी निरीक्षण किया। सोमवार सुबह मुख्यमंत्री वाराणसी से गाजीपुर के लिए रवाना हो गए। यूपी के मेधावी छात्र छात्राओं को कंपटीशन की मुक्त तैयारी कराने के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का शुभारंभ होने जा रहा है। इस संबंध में सोमवार को वाराणसी मंडल के कमिश्नर दीपक अग्रवाल मीडिया से मुखातिब हुए। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने बताया कि मेधावी छात्र छात्राओं को विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कराने के लिए ये योजना शुरू की जा रही है। 10 फरवरी से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। इसमें 3 माध्यम से कोचिंग दी जाएगी, जिसमें क्लासरूम कोचिंग के लिए टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। इसके अलावा ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लासेस भी होंगी। कमिश्नर ने बताया कि विभिन्न विषयों की जानकार टीचरों के साथ साथ जिले में अपनी सेवा दे रहे अधिकारी भी बच्चों की क्लास लेंगे। मुख्यमंत्री जी ने एक नई योजना हमारे उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राओं के लिए लॉन्च की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, जिसमें हमारे छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रकार की जो प्रतिस्पर्धात्मक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनकी कोचिंग और ट्रेनिंग के लिए उनको निःशुल्क ये सुविधा प्रदान की जाएगी। और इसमें कोई भी छात्र छात्रा अपना रजिस्ट्रेशन जो 10 फरवरी को खुलेगा उसमें वो रजिस्टर कर सकते हैं और उसके पश्चात रजिस्ट्रेशन के संख्या को देखते हुए उस पर्टिकुलर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के कोचिंग उनको 3 तरह के मीडियम से उपलब्ध कराई जाएगी। उसमें एक मीडियम है जो क्लासरूम में शिक्षा ग्रहण करेंगे या कोचिंग ग्रहण करेंगे उनके लिए एक उपाम द्वारा जो हमारा उत्तर प्रदेश का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट कराएगा, उसके द्वारा उन बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा जो क्लासरूम कोचिंग प्राप्त करेंगे। लेकिन अन्य लोग इसका ऑनलाइन कंटेंट, लाइव कंटेंट अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में भी देख सकते हैं। और तीसरा जो ऑफलाइन कंटेंट है वो भी हमारे जो सेंटर्स बनेंगे वहाँ से वो प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए विभिन्न विश्वविद्यालय, यहाँ पर वाराणसी में 3 विश्वविद्यालय हैं, उनको अन्य जो हमारे GICs हैं
प्राइवेट डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेजेस, हमारे स्कूल्स, इन सब की बैठक कर ली गई है और काफ़ी बड़ी संख्या में संस्थान और इंडिविजुअल्स ने रुचि दिखाई है कि वो अपने अपने संस्थान में अपने संसाधनों से एक स्मार्ट क्लासरूम विकसित करेंगे, जहां पर ये बच्चे वहां बैठकर ऑनलाइन कंटेंट के माध्यम से गुणात्मक कोचिंग प्राप्त कर पाएंगे। इसके अलावा इस योजना में जितने भी विषय वस्तु के विशेषज्ञ हैं उनको आबद्ध करने के लिए हम लोगों ने कमेटी बना दी है, जो उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट्स के जानकारी प्राप्त करके और उनकी रुचि के अनुसार उनको हम लोग आबद्ध करके उनसे उसकी कोचिंग प्रोवाइड कराएंगे, जिसके लिए उनको 1000 रुपये मानदेय और उनको TA/BA मिलेगा। आज हमने एक सर्च कमेटी बना दी है जिसमें जो ऐसे विशेषज्ञ हैं उनकी सहमति लेकर उनका हम लोग पैनल बनाएंगे और उसको 15 या 16 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी इसका योजना का शुभारंभ करेंगे और उसके पश्चात हम लोग एक चरणबद्ध तरीके से अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए हम लोग अपना मॉड्यूल बनाकर विभिन्न संस्थानों का सहयोग लेकर एक गुणात्मक कोचिंग हमारे पूरे मंडल के छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराने में सफल होंगे। इसका सीधा प्रसारण जो वेरियस आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक लाइव, यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी उपलब्ध होगा, तो जो बच्चे उनका संसाधन का प्रयोग करना चाहते हैं वो लोग इसका कर सकते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी अपना अभ्युदय वाराणसी चैप्टर का यूट्यूब चैनल हम लोगों ने लॉन्च कर दिया है, जिसमें जो बच्चे जाकर उस विषय के क्लासेस को देख सकते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है इस योजना में जो रुचि दिखाई गई है उससे हम लोग अपने यहाँ मंडल के बच्चों का पलायन को रोकेंगे और हमारे जो गरीब वर्ग के बच्चे हैं जो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में नहीं जा पाते उनको एक गुणात्मक कोचिंग हम लोग निःशुल्क प्रोवाइड कर पाएंगे।